हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपके स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, डेट इज़ ऑन ADHD। बहुत सारे पेरेंट्स ADHD पर रिक्वेस्ट कर रहे थे, हर वीडियो के नीचे एक सिंपल और बार बार एक सेम कमेंट आ रहा था कि मैम प्लीज़ ADHD पर वीडियो बनाएं। तो आज हम बात करेंगे ADHD के बारे में। उससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरी सिंगल पेरेंट हु इज़ लिसनिंग माई वीडियोज़ और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी जो हम एंड में जाकर बात करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी ADHD वाली वीडियो से। तो देखो, ADHD, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसी एक वीडियो में ADHD के बारे में सब कुछ बताऊँ, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, उसकी मेडिकेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, ताकि आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ओके, सो ADHD को स्टार्ट करते हुए, ADHD है क्या? इट इज़ अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चे को दिक्कत होगी अटेंशन में और जहाँ पर ओवर एक्टिविटी होगी, दैट इज़ कॉल्ड ADHD। ADHD के 3 टाइप्स होते हैं, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव, एंड द थर्ड वन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म्स दोनों की। सबसे पहले हम बात करेंगे इन अटेंटिव के बारे में कि इन अटेंटिव, मैम आप लोग पूछोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा इन अटेंटिव है। देखो, आप बहुत बार देखोगे कि आपके बच्चों को जो है फोकस करने में बहुत दिक्कत आ रही है, हम उनको कहते कुछ और हैं और वो किसी और चीज़ पे फोकस करते हैं। देखो, ये चीज़ें ना आपको बुक्स में नहीं दिखेंगी, गूगल पे नहीं दिखेंगी, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी। कि अभी जैसे मैंने अपने बच्चे को कहा कि जाकर पापा को ये मैसेज देकर आओ, और रास्ते में उन्हें कुछ और दिख गया, तो वो भूल जाएंगे कि मम्मा ने मुझे किस चीज़ के लिए भेजा था पापा के पास। तो दिस इज़ कॉल्ड इनअटेंटिव, कि जो काम बच्चे को दिया गया है उसने उस पर फोकस ना करते हुए वहाँ से वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा इन बच्चों की कैपेबिलिटी है, दे आर हायर ऑन रिस्क, कि इनका जो नेचर है ये इनअटेंटिव, लाइक लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, इस तरीके के होंगे। ईजिली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं बच्चे, ठीक है, अपने ही अपने ही वर्ल्ड में दे आर लॉस्ट, दे आर कॉल्ड डे ड्रीमर्स। एक्चुअली इनको डे ड्रीमर्स भी बोला जाता है, कि समटाइम्स ना हमें लगता ही नहीं है कि ये हमारी बात सुन रहे हैं, हम इनसे ही बात कर रहे हैं, बट हमें ऐसा फील ही नहीं होता उनके फिजिकल जेस्चर से कि वो हमारी बात को सुन रहे हैं। अभी ज़्यादा कब पता चलता है? जब हमारे बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। इस ADHD को डायग्नोसिस करने का जो टाइम भी है वो है 3 to 6, कहीं कहीं लिखा हुआ है 4 to 7। तो मेन वही है एज जहाँ पे बच्चा को हम प्ले वे स्कूल में भेजते हैं। वहाँ से जब कंप्लेंट्स आनी शुरू होती है कि मैम बच्चा आपका कॉपी फ्रॉम द बोर्ड नहीं कर रहा, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग नहीं कर रहा है, ठीक है, हम इसको कुछ भी कहते हैं, ये और बच्चों को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ADHD के अंदर ये चीज़ होती है कि वो सिर्फ खुद ही खुद ही डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, जैसे टेबल पे बैठे हैं। ओके, अभी अपना तो ठीक है, उन्होंने अपना सामान उठाकर फेंका, उनके अंदर ये चीज़ है कि वो औरों को भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट होती हैं घर पे कि मैम अब हमसे ये हैंडल नहीं हो रहा है, आप जाके प्लीज़ इसका डायग्नोसिस कराएं, तब पेरेंट्स को पता चलता है कि ओके, हमारा बच्चा जो है वो किसी प्रॉब्लम से निकल रहा है। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड इन अटेंशन। इन अटेंशन का एक और मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। जैसे कई बच्चे हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स इस चीज़ से बहुत परेशान है कि मैम इनको हर रोज़ हम न्यू ज्योमेट्री पेंसिल्स इरेजर्स भेजते हैं, और जब ये घर वापस आते हैं तो इनकी ज्योमेट्री बिल्कुल खाली होती है, समटाइम्स ज्योमेट्री नहीं होती है, कभी कोई बुक स्कूल में रह गई, कभी डायरी स्कूल में रह गई, कभी कुछ हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड इन अटेंटिव। ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं बिल्कुल भी, खेला ब्लॉक्स फेंके, उनको पता ही नहीं है कि इनको वापस डाल के रखने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड इन अटेंटिव, दे आर नॉट अटेंटिव। वो उनको छोटी छोटी बारीकियाँ उनको समझ में नहीं आती हैं, जैसे अगर मेरे को स्टोरी टेलिंग सिखानी है तो वो 2 स्टेप तक आगे बढ़ेंगे, उनके अंदर ये स्टेमिना नहीं है कि वो 5-6 लाइन्स तक, वो एंड तक उस लिसनिंग कम होती है। एक्चुअली इन अटेंटिव जो फॉर्म है, जिसको हम ADD भी कहते हैं, ठीक है, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है, तो उनमें क्या है कि लिसनिंग स्किल्स कम होते हैं।
अभी क्या है कि मैम बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं मैम आईक्यू तो नॉर्मल आया है तो फिर एडीएचडी कैसे है इनको. देखो आईक्यू एडीएचडी में ये बहुत अच्छी बात है कि आईक्यू इन बच्चों का नॉर्मल होता है, समटाइम्स एवरेज और कई बार अबव एवरेज भी होता है इन बच्चों का जो आईक्यू है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये अपने आईक्यू को अच्छे तरीके से यूज़ ही नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इन अटेंटिव नेचर एंड दैट एंड द अदर थिंग इज़ ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी. ठीक है, अभी हमने क्या बात की इन अटेंटिव के बारे में, अभी हम आगे चलेंगे हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के बारे में. हाइपर एक्टिव मीन्स ओवर एक्टिव. देखो जब हमारे पास बच्चे पेरेंट्स आते हैं, अब हर तरीके के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्रॉब्लम पे बहुत अच्छा खासा रिसर्च करके आए हुए हैं, और तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ADHD का कभी नाम ही नहीं सुना होता. तो हम हर तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं. एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि देखो आप हाइपर एक्टिव का मतलब क्या है कि आपके बच्चे में एक बच्चे की एनर्जी की जगह आपके बच्चे में दो से तीन बच्चे की एनर्जी है. दिस इज़ कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी. हम कहते हैं कि आप ये हाइपर एक्टिव बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलवेज इन मोशन होते हैं. यू नो कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी ये फेंकेंगे, कभी वो फेंकेंगे. टेंडेंसी होती है कि हमेशा चीज़ों में लगते जाना, चोटें लगना, और उनको पता ही नहीं है कि उनको चोटें लगी हुई हैं. इतने हाइपर एक्टिव, लाइक विद इन सेकेंड्स वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी. ठीक है, कहीं से जंप कर रहे हैं. और इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है कि कुछ भी एक्ट कर दिया विदाउट थिंकिंग. ओके, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, पेरेंट्स को बहुत यू नो बहुत परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इम्पल्सिव नेचर जिनका है. उस वो चीज़ थोड़ा सा टॉलरेंस के बाहर चली जाती है कि कुछ भी चीज़ें उठा के फेंक रहे हैं, बाद में सॉरी सॉरी करते रहेंगे होल डे. पर इम्पल्सिव का मतलब ही यही है कि एक्ट कर दिया बट विदाउट थिंकिंग. ओके, पहले रिग्रेट होगा उनको. मेन मेरे को लगता है ADHD में ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का भी दिक्कत है. ये कहीं पे लिखा नहीं गया है. दिस इज़ कि मेरे को एक्सपीरियंस, अभी बहुत एक्सपीरियंस हो गया इन बच्चों के साथ काम करते करते. तो अंडरस्टैंडिंग में अगर बच्चे को पता हो ना द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, तो ADHD का जो है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो बेसिकली ये है ADHD. ठीक है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. और जो थर्ड टाइप थी दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप, दैट इज़ कि दिस इज़ कॉल्ड ADHD, जिसमें इनअटेंटिव भी होगा, हाइपर एक्टिविटी भी होगी और इम्पल्सिविटी भी होगी. और ADHD एक ऐसा प्रॉब्लम है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये एडोलेसेंट और एडल्टहुड तक आगे आ सकती है. अभी ADHD हमेशा डिफरेंट फॉर्म्स में नज़र आती है, लाइक प्री स्कूल किड्स में अलग तरीके से दिखेगी, एलिमेंट्री में अलग, हाई स्कूल में अलग, क्योंकि हर यू नो फॉर्म का, हर लेवल का जो डिमांड है वो डिफरेंट है. ठीक है, अभी प्री स्कूल में क्या है कि आपको ग्रुप इंटरेक्शंस में डाला जाएगा, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, वहाँ पे आप बैठोगे ही नहीं. ADHD बच्चे अगर उनको बोलेगा कि वॉक ऑन लाइन, नहीं वो वॉक नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब लाइन से बाहर निकल गए. अगर मैं उनको बोलूँ कि पास, लेट्स प्ले पास द बॉल, दे डोंट नो अबाउट द टर्न टेकिंग. उनको नहीं पता कि उनको वेट करना है अपना टर्न का, वेटिंग का यू नो ये जो वेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इन बच्चों को इंट्रोड्यूस्ड नहीं होता है. ठीक है, सो ये है टाइप्स के बारे में हमने बात की. अब हम आगे बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में. बहुत सारे पेरेंट्स ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि मैम मतलब हमने ऐसा क्या किया जो ये बच्चा ADHD हो गया. बहुत सारे पेरेंट्स का आजकल अवेयरनेस हो गई है स्क्रीन टाइम के बारे में, तो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम हमने तो इतना स्क्रीन टाइम भी नहीं दिया तो भी हमारे बच्चे में ये दिक्कत क्यों आई. देखो ये जो है इसका जो मेन कॉज जो बताया जाता है डेफिनेटली हर प्रॉब्लम का यही है कि जेनेटिक और इन्वायरमेंट. बट अगर आपके मदर फादर को रिलेशन में, अंकल आंट को, यू नो जिसको हम ताया जी, चाचा जी, दिस काइंड ऑफ अंकल आंट, अगर उनको ADHD है तो देयर आर मोर देन 50% चांसेस कि आपके बच्चे को ये दिक्कत होगी. ये रन करती है फैमिलीज़ में ADHD. ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंट ऐसा है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, पहले से ही बच्चा हायर रिस्क पे था कि उसको ADHD हो. दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, अगर बच्चा मेड्स के सहारे छोड़ा हुआ है, अब हम मेड्स से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो हमारे बच्चे के माइलस्टोन्स की ओर ध्यान देगी. हम सिर्फ देखते हैं कि बच्चे का पेट भर रहा है, यू नो मतलब जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं आई थिंक. तो इग्नोरेंस हो सकती है जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं. ठीक है, अगर जब भी आपने बच्चा कंसीव किया है उस टाइम पे कोई स्ट्रेस चल रहा है, या अल्कोहल आप ले रहे हो, टोबैको ले रहे हो, तो ये जो ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि आपके बच्चे को ADHD हो. ठीक है, प्री मैच्योर बच्चा हो गया, बर्थ वेट उसका कम है. ओके, तो इस तरीके के जो रीज़न्स हैं जो अभी तक हैं, इधर रिसर्चेस चलती जा रही हैं. ठीक है, तो ये हैं जो कॉजेज़ हैं.
इसके बाद अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ये बात लेकर आते हैं कि मैम हमें अपने बच्चे को मेडिकेशन पे डालना चाहिए कि नहीं। देखो, इट्स अ बिट ऑब्वियस कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, इधर इट इज़ ऑटिज़म, इधर इट इज़ ADHD, इधर इट्स अ लर्निंग डिसेबिलिटी, इधर इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, अगर बच्चा माइल्ड टू मॉडरेट में है तो उसको हम थेरेपिस्ट प्लस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट के साथ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर बच्चा मॉडरेट टू सिवियर है तो डेफिनेटली जो है बच्चे को मेडिकेशन पे डालना पड़ेगा, उसके फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी हाइपर एक्टिविटी को काम करने के लिए और उसकी इन अटेंटिव को जो है कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए। सो मेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बट आपको देखना है अगर OT भी आपकी चल रही है और थेरेपी भी चल रही है, उससे कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि आपके बच्चे को मेडिकेशन का नीड है। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज़ यू शुड गो फॉर बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी ADHD में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ADHD है क्या, ADHD है कि बच्चे में जो सेल्फ रेगुलेशन जो है, जो सेल्फ रेगुलेशन में डिफेक्ट्स हैं, एक्चुअली बच्चा अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, अपने बिहेवियर्स को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो ABA थेरेपी है वो ADHD के साथ बहुत अच्छा वर्क करती है, बिहेवियर्स को बहुत अच्छा हैंडल करती है। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपको जो शुगर का इनटेक है अपने बच्चों का कम करना है। शुगर कम से कम अपने बच्चों को दो, क्योंकि जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो हम चॉकलेट्स प्रेफर करते हैं कि खाएं, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो बूस्ट अप हो। अभी ADHD में क्या है, ऑलरेडी देयर इज़ लॉट ऑफ हाइपर एक्टिविटी, देन वाई टू गिव शुगर टू देम। ओके, तो शुगर आपको कम करना है। नेचुरल शुगर ठीक है, आप दे सकते हो, बट शुगर का इंटेक आप कम करो। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि एक तो डेली रूटीन इनकी सेट करो। जब इनको पता होगा कि इससे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, तो हाइपर एक्टिव होने के चांसेस कम होंगे। द फिफ्थ थिंग इज़ यू कैन यूज़ टोकन इकोनॉमी, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो डेट इज़ ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ में मैंने टोकन इकोनॉमी आप लोगों को इंट्रोड्यूस की है। आप टोकन इकोनॉमी यूज़ करो, जो जो बच्चा अच्छा काम कर रहा है उसके लिए उसको टोकन्स दो, टोकन्स वापस लो, जो बच्चा चाहता है उसको दो। आप उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, आप उसमें जाकर उसको चेक कर सकते हो। ओके, एंड द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ कि रिलैक्सिंग टेक्निक्स आप सिखाएंगे। आपको पहले यू शुड स्टे काम। देखो, रिलैक्सिंग टेक्निक्स ना बच्चों को सिखाना बहुत टफ है। आप लोग अगर काम रहेंगे और अथॉरिटी अपने हैंड में ही रखेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि ADHD वाला जो बच्चा है वो आपके साथ फिजिकल होने का ट्राई करेगा। ठीक है, अभी मेडिकेशन भी कहाँ देनी है, जहाँ बच्चा फिजिकल हो रहे हैं, चीज़ें उठा के फेंक रहे हैं। ऐसे बच्चे भी आते हैं जो ईंटें उठा उठा के मारते हैं, कभी भी बाइट कर लेते हैं, तो वो वाला ऐसा एक लेवल है बच्चे का जहाँ पे विदाउट मेडिकेशन बच्चा नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे मेडिकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, मेडिकेशन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, एंटी स्टिमुलेंट्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये एक साइकाइट्रिस्ट आप लोगों को बेटर गाइड कर पाएगा। आगे हम करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ADHD में, तो मैं आगे आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊँगी। ओके, और क्या हो सकता है कि जिससे ADHD वाले बच्चे जो हैं वो नॉर्मल हम कर सकते हैं। टोकन इकोनॉमी हमारी हो गई है, उनको हर चीज़ आप छोटे छोटे स्टेप्स में बताएंगे। ठीक है, ये आपको रखना है। जब आप उनको हर चीज़ छोटे छोटे स्टेप्स में बताएंगे, जो उनका इन अटेंटिव नेचर है जस्ट बिकॉज ऑफ ADHD, तो उनको उस चीज़ पे अटेंशन फोकस करने में उनको ईजी होगा और वो अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है, जो एक स्ट्रेटजी है जो आपके बच्चों के ऊपर हेल्पफुल हो सकती है ADHD में, वो क्या है कि आपने इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखना है। देखो, मैं जब भी मेरे बच्चे जब भी फ्री टाइम होता है, जैसे जून का मंथ हो गया, अभी ये वाला ईयर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है, तो वैसे अदरवाइज हम अपने बच्चों को स्केटिंग में डालते हैं, स्विमिंग में डालते हैं, या फिर स्केटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, या आप साइकिलिंग ट्राई कर सकते हो, जिससे उनकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो इन अ प्रोडक्टिव वे। ADHD वाले बच्चे बहुत ही अच्छे एथलीट्स होते हैं, क्योंकि एनर्जी चैनलाइज हो जाती है एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्रीटमेंट को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आपका बच्चा इस प्रॉब्लम से निकल सकता है। और क्या है जो और इसमें जो है ADHD के ट्रीटमेंट में पेरेंट्स की हेल्प कर सकती है, दैट इज़ की
जब भी आप रिपोर्ट्स लेके आते हैं ना, उसमें रेफरेंस में लिखा होता है कि काउंसलिंग, पेरेंट्स काउंसलिंग, तो उसको सिर्फ लिखे ही नहीं रहने देना है, आप लोगों को जाना है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ADHD में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है पेरेंट्स काउंसलिंग। क्योंकि अगर आप काम रहोगे तभी आप अपने बच्चे का जो ADHD है वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर पाओगे। जब एक काउंसलिंग में आपको बताया जाएगा कि किन बिहेवियर्स पे आपको अटेंशन देना है, किन पे इग्नोरेंस वर्क करेगी, तभी ADHD को हम रूल आउट कर सकते हैं। अदरवाइज ये अगर इसका जो अनट्रीटेड अगर ये रह जाए तो ये एडल्टहुड तक जा सकता है, इवन लाइफ लॉन्ग परसिस्ट कर सकता है। ठीक है, एक आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने इन बच्चों को टेट्रा पैक्स नहीं देने हैं, कुछ भी ऐसा नहीं देना है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हों। उससे क्या होती है कि इनके एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो ये और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और अगर स्कूल में आप लोगों को दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, कि स्कूल से रेगुलर कंप्लेंट्स आती हैं, तो एक शेडो टीचर का जो है कॉन्सेप्ट है वो आप अपने स्कूल की अथॉरिटीज से परमिशन लेके आप स्कूल में शेडो टीचर भी रख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स कि ADHD को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अभी मैं छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दूंगी फिजियोलॉजी ऑफ ADHD के बारे में, ताकि आप लोगों को पता हो। एक्सेप्टेंस यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी इशू हो, अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा बच्चे में ये इशू है, उसके बाद बच्चा ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो हमें इतना गुस्सा नहीं आता अदरवाइज जैसे आता है। देखो, फिजियोलॉजी क्या है कि जो ADHD, ये देखा गया है कि ADHD में जो ब्रेन डेवलपमेंट है और जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसमें बहुत डिफरेंस है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अदर चिल्ड्रन। ओके, अभी हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल पार्ट है, जो फ्रंटल रीजन ऑफ अवर ब्रेन है, विच इज़ यू नो रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, हमारी इमोशंस को रेगुलेट करने में, किसी भी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने में, जो हमारा फ्रंटल रीजन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जब फ्रंटल रीजन में ही जो मैसेजेस हैं वो सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं कर रहा है टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन, तो आप खुद सोचिए कि बच्चा कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कितना नॉर्मल यू नो बिहेव कर रहा है, क्योंकि कभी कभी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही जाएगी और कई बार वो जो सिग्नल्स हैं वो कट कर होकर जाएंगे। ठीक है, ऐसे वर्क करता है ADHD बच्चों का ब्रेन, उनकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसमें थोड़ी सी अबनॉर्मेलिटीज़ हैं। तो अभी फिजियोलॉजी में ही डिफरेंस है, तो ADHD वाले बच्चे क्या करेंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है बिहेवियर्स को रीइन्फोर्स नहीं करना है, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट आप यूज़ करोगे। जितने अच्छे से आपको पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट यूज़ करना आएगा, उतना ही बच्चा चाहे कोई भी दिक्कत हो उस दिक्कत से ईजिली बाहर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ये था ADHD के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को देने, तो दिस इज़ कॉल्ड ADHD। अभी हम ADHD के अलावा जो आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि हम 3-4 बातें करेंगे, वो ये थी कि लास्ट वीडियो में मैंने IEP के प्लान्स के बारे में बात की थी, उसके बारे में मैंने वीडियो शेयर की थी। मैं पहले आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग IEP प्लान्स लेना चाह रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सबसे बात होगी, बट यू नो एक दिन में मैं 7 से 8 लोगों से ही बात कर पाऊँगी, पेरेंट्स से, क्योंकि अदरवाइज़ आई एम मंडे टू फ्राइडे वर्किंग 10:30 to 6। ठीक है, उसके बाद फिर फैमिली है एंड अपना बच्चा है, तो जो OPDs हैं, जो आउटसाइड कॉल्स हैं, वो मैं सिर्फ सैटरडे को लेती हूँ। तो जिसने पहले अप्रोच किया है डेफिनेटली पहले हम उनको अपॉइंटमेंट देंगे, तो आपको मतलब रिलैक्स रहना है, आपको पैनिक नहीं होना है, सबसे बात की जाएगी, सबको IEP प्लान्स दिए जाएंगे। द सेकेंड थिंग इज़ कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन जब भी अपॉइंटमेंट मिल रही है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे को बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन दो जो आप लोगों को पता है। लाइक कुछ पेरेंट्स मैंने जो फील किया है, देखो एक्चुअली अभी वी आर लाइक अ फैमिली, मुझे लगता है कि अभी आप लोग मुझे अप्रोच कर रहे हो, जो गलतियां आप अभी भी कर रहे हो उसको प्लीज़ आप करेक्ट करें। अगर किसी भी के बच्चे को अगर ऑटिज़म है, राइट, अगर अभी हमें सिम्टम से पता चल गया कि बच्चे को ऑटिज़म है, मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती कि आप लोग उस चीज़ को छुपा रहे हो। कभी आप बोल रहे हो कि मैम हमारे बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, कोई बोल रहा है कि मेरे बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, बट दे आर नॉट यू नो लाइक कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। There is nothing bad about it. आप जितनी बात छुपाते जाओगे IEP प्लान उतना ही सफ़र करेगा, तो आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है।
द थर्ड थिंग इज़ कि जो बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं कि IEP प्लान्स के लिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपनी वीडियो सेंड करें, कहीं ना कहीं वीडियोस में बॉटल मुझे दिखाई देती है जो फीडिंग के लिए बॉटल आप लोग यूज़ करते हो, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉटल फीडिंग। ये काम आप लोगों ने नहीं करना है। लाइक यू नो, आप एज लिखवा रहे हो बच्चे की 4.5, 5.5, above 3.5, तो इतने बड़े बड़े बच्चों को अगर आप बॉटल फीड करा रहे हो तो डेफिनेटली बच्चे का स्पीच डिले आएगा। ये मेरे को लगा था कि हर एक को जा जाकर यू नो हर एक को फ़ोन पे ऐसे बात करना कि बॉटल फीड आप बंद कराओ प्लीज़, तो मुझे लगा कि शायद इस वीडियो के थ्रू अगर मैं ये अनाउंस करूँगी तो सब तक ये मैसेज पहुँचेगा। आपको इतना बॉटल फीड नहीं कराना है। 2.5 साल इज़ द मैक्सिमम एज जब आप बॉटल फीड करा रहे हो, उसके बाद बच्चे को बॉटल फीड का नीड नहीं है। एक्चुअली रिसर्च में ये देखा गया है जो बॉटल फीड कराते हैं, जो बॉटल का निप्पल है, जो उसका प्लास्टिक है, डैट इज़ ऑफ सिलिकॉन, जो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है आपके पैलेट को वीक करने में, और देर आर डिलेज इन स्पीच, तो वाई टू यूज़ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और मिल्क इतना ज़रूरी नहीं है। इवन आजकल चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोलने लग गए हैं कि 250 grams ऑफ मिल्क आर गुड इनफ फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड। अभी वो 250 ग्राम ऑफ जो मिल्क है वो दही में भी जा रहा है, बटर में भी जा रहा है, मलाई में भी जा रहा है, चीज़ में भी जा रहा है, तो मिल्क का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जो आप लोग यू नो दिन में 3-3 बार बॉटल फीड करा रहे हो। प्लीज़ इस चीज़ को बंद करो, ठीक है। इतना मिल्क को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। नॉर्मल बच्चा लेता है, वेरी गुड, क्योंकि ऑटिज़म में समटाइम्स देखना पड़ता है कि मिल्क एलर्जी तो नहीं है बच्चे को, तो एक लिमिट में दो हर चीज़ को। फोर्थ थिंग इज़, अभी लॉकडाउन चल रहा है, प्लीज़ अपने बच्चे का जो खाना पीना है वो लिमिट में रखो। ये चीज़ बीइंग अ मदर और बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जितना आपका बच्चा ओबीस होगा उतना उसकी थेरेपी कराना टफ है। आपको हमेशा उसके जो वेट को है वो एक यू नो मेंटेन रखना है, एज के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना ही वेट के ऊपर प्लीज़ फोकस करो। सिर्फ खाने पिलाने पे मत ध्यान दो। इतने मोटे मोटे बच्चों को पढ़ाना भी बहुत टफ है, उठाना भी बहुत टफ है, उनकी OT बहुत टफ है, इवन स्पेशल एजुकेशन बहुत टफ है, क्योंकि बिहेवियर्स में हमें बच्चे को पूरा यू नो हैंडल करना है। तो जितना बच्चा मोटा होगा उतने ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, इवन हमें भी और आपको भी। इवन बड़े होंगे बच्चे, ज़्यादा फैटी होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। और द लास्ट थिंग इज़, जो भी पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि जो जो वीडियोस मैम आप डाल रहे हो उसमें आप जो जो सामान, जो जो टारगेट्स आप ले रहे हो, प्लीज़ उनके लिंक्स जो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालो। तो मैंने सारे लिंक्स, कुछ लिंक्स डाल दिए हैं, कुछ अभी पेंडिंग हैं, वो मैं आप जितनी भी वीडियोस अब आएंगी उनके नीचे डालूंगी। तो मैंने ये काम कर लिया है, प्लीज़ अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देखो, जो जो आपको सामान चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हो। Okay, so thank you so much. If you think my videos are useful to you, kindly keep sharing and you know, subscribe my channel. Thank you so much.